Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today nursing foundation का और एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस. दैट मीन नर्सिंग प्रोसेस क्या है, हम कैसे केयर देते हैं पेशेंट को, ऑर्डरली हम कैसे फॉलो करते हैं वो ऑर्डर्स. तो हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, केयर देते हैं पेशेंट को, फिर आउटकम कैसा आता है हमें, वो नर्सिंग प्रोसेस के हम पहले जो डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस की वो हम देखेंगे. द नर्सिंग प्रोसेस इज एन ऑर्डरली सिस्टम, ऑर्डरली सिस्टमेटिक मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, स्पेसिफाइंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन फुलफिलमेंट एंड मेकिंग प्लान्स टू सॉल्व देम बाय इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हमने नर्सिंग प्रोसेस का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर प्लान बनाया हुआ है. दैट मीन्स हम पहले डिटरमाइन करते हैं पेशेंट को, पेशेंट का हम लेते हैं बायोडाटा पेशेंट का, असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, फिर क्या पेशेंट उसमें हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम डायग्नोज करते हैं, हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स देखते हैं. तो हम वो फुलफिल करने में हम गोल बनाते हैं पेशेंट को कि हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, हम गोल या प्लान बनाते हैं. तो फिर क्यों बनाते हैं वो प्लान, क्योंकि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं बाय इनिशिएटिंग देम एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. तो हम वो प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के ऑर्डर के हिसाब से. देन फिर लास्ट में क्या था, फिर हम एवाल्वेट करते हैं कि हमने अगर किसी पेशेंट को किया दिया तो वो उसका आउटकम कैसा है. तो ये किसने दिया है नर्सिंग प्रोसेस, ये एक नर्सिंग थ्योरिसिस्ट थी, उसका नाम था लीडिया हॉल इंट्रोड्यूस्ड नर्सिंग प्रोसेस. In 1955 ने ये लीडिया हॉल एक अमेरिकन नर्सिंग थ्योरिसिस्ट थी, तो इसने ये इंट्रोड्यूस किया नर्सिंग प्रोसेस जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा है. सब नर्स जो भी नर्सेज इन ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब में है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सब पे. तो यहाँ पे क्या है, इसने एक और मॉडल भी दिया है, उसका नाम था केयर, क्योर एंड कोर. तो इसने यहाँ पे क्या कैसे दिया, तीन स्टेप्स में दे दिया. इसने बोला तो ऑब्जर्व, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो थर्ड वन क्या उसने दिया है, वैलिडेशन. ये तीन पॉइंट्स में उसने दे दिया है कि कैसे हम नर्सिंग प्रोसेस को प्लान करना है या सिस्टमेटिक मैनर में देना है. तो यहां पे हम देखेंगे आप कि फेजेस, दैट मीन्स फेजेस ऑफ, हम देखेंगे phases of nursing process. That means कैसे हमें ये फेज वाइज में स्टेप वाइज देखना है. तो अगर कोई देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है, that means a single person या family है या कम्युनिटी है, अगर ये तीन देखो, अगर इंडिविजुअल हैं तो उसमें कैसे हमें करना है. पहला स्टेप क्या आता है उसमें, असेसमेंट. पहला स्टेप क्या है, असेसमेंट. तो सेकंड वन क्या है उसमें, डायग्नोसिस. सेकंड इज डायग्नोसिस. थर्ड वन इज आउटकम आइडेंटिफिकेशन. तो नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग, जो मैंने आपको पहले ही बोला है. नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन एट लास्ट क्या है, जो मैंने आपको बोला, इवाल्वेशन. इवाल्वेशन तो ये है इसका, अगर फ्लो में देखते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज असेसमेंट,
ये हमें एक एक करके देखना है, एसेसमेंट क्या होता है, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम, आउटकम क्या है, प्लानिंग क्या है, इम्प्लीमेंट क्या है, इवॉल्वेशन क्या है। तो ये हम इन स्टेप वाइज हमें देखना है कि, तो पहला क्या है इसमें, हमें एसेसमेंट जो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज असेसमेंट, तो असेसमेंट क्या है पहले हम देखेंगे, असेसमेंट की डेफिनेशन। नर्सिंग असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग वेरीफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग डाटा अबाउट द क्लाइंट और पेशेंट। तो असेसमेंट क्या है, ये हम एक गैदरिंग, हमें इंट्रोडक्शन, हम पेशेंट की बायोडाटा लेते हैं, पेशेंट से हम बायोडाटा लेते हैं, तो पेशेंट को के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या लेते हैं, पेशेंट का बायोडाटा, पेशेंट की एज, कहाँ से आया है, कोई प्रॉब्लम है, हिस्ट्री लेते हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। असेसमेंट में क्या आता है, यही आता है। तो असेसमेंट में हमें क्या क्या होता है, कैसे हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, तो हम यही देखते हैं। तो पहले है असेसमेंट में सब्जेक्टिव, जो हमने हमें डाटा कलेक्ट करना है उसमें क्या है, सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा मींस जो हम, अगर हम क्वेश्चन करेंगे, नर्स नर्स क्वेश्चन करेगी पेशेंट से, पेशेंट से पूछे कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हुए हैं, तो हम पूछेंगे पेशेंट, तो पेशेंट क्या बोलेगा, वहाँ से रेस्पॉन्स देगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन, इट इज अ डाटा इन विच अ नर्स आस्क्स क्वेश्चंस टू क्लाइंट तो क्लाइंट क्या देता है, सब्जेक्ट मीन्स हम सब्जेक्ट नर्स क्लाइंट को, पेशेंट को क्वेश्चन करती है कि आपने क्या खाया, खाने में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ आपको पेन है, क्या क्या प्रॉब्लम, तो पेशेंट क्या वहाँ से रेस्पॉन्स देता है, पेशेंट बोलता है हाँ मुझे ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ मुझे पेन्स होते हैं, इस टाइम मुझे ज़्यादा पेन होती है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू डाटा। व्हाट वी आस्क टू पेशेंट, क्या हाँ जो हम पेशेंट को बोलते हैं, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू डाटा। ये एक असेसमेंट में पहला स्टेप है जो हमें देखना है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू डाटा। व्हाट वी आस्क क्वेश्चन टू पेशेंट, देन पेशेंट गिव्स रेस्पॉन्स वट ही इज फीलिंग, वट हीज प्रॉब्लम आर। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, उसमें क्या है सब्जेक्ट में, ऑब्जर्व, दैट मीन्स ऑब्जर्व ऑब्जर्व मीन्स उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिव डाटा। ये और एक है, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें हम क्वेश्चंस पेशेंट को नहीं पूछेंगे कि आपको कौन कौन से, पर हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे अगर पेशेंट इज फीलिंग डल, पेशेंट डल, पेशेंट इज फीलिंग पेन, तो हम उसके फीलिंग्स देखेंगे, पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो थर्ड क्या है, बायोग्राफिक डाटा,
तो उसमें क्या हम पेशेंट को देखते हैं, उसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स हम पेशेंट से नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप, रेजिडेंस, हम बायोग्राफी पेशेंट से लेते हैं। सब्जेक्ट में हम क्या पेशेंट पेशेंट को क्वेश्चन बोलते हैं, क्या कौन को ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को। उसमें हम क्वेश्चन पेशेंट को नहीं पूछते हैं कि आपको कौन, हम देखते हैं, दैट मीन्स वी ऑब्जर्व। अगर हम असेसमेंट करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि हाँ पेशेंट को प्रॉब्लम है, ये डल फील कर रहा है, हम ऑब्जर्व खुद ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट इज़ फीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स। तो बायोग्राफिक डाटा में क्या हम देखते हैं, हम बायो पेशेंट से बायोग्राफी लेते हैं, दैट मीन्स उसका नाम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, पूरा हम डाटा लेते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट क्या है उसमें, असेसमेंट में फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स फिजिकली हम पेशेंट को देखते हैं। फिजिकल असेसमेंट इंक्लूड्स पल्पेशन, पाल्पेशन क्या हुआ, हम पेशेंट को फील करते हैं विद आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से पेशेंट को देखते हैं, फील करते हैं, दैट मीन्स टू फील विद हैंड्स। इसमें हम एक एग्जांपल देंगे, अगर हम पेशेंट को कहीं पे हाथ रखेंगे तो हम पेन फील करेंगे, अब अगर कहीं पे पाल्पेट करेंगे, दैट मीन्स पेशेंट विल फील पेन, तो ये क्या है पल्पेशन। तो सेकंड क्या है इसमें, परक्यूशन, परक्यूशन में क्या हम कहते हैं, हम पेशेंट से हम अपने हाथ, दोनों हाथ यूज करते हैं, प्लेस करते हैं पेशेंट वन हैंड, हम पेशेंट से हाथ लगा के हमें पेशेंट को परक्यूर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम साउंड देखेंगे, दैट मीन्स कहीं पे हमें एबनॉर्मल साउंड ना आए, दैट मीन्स उसमें क्या है, बोथ हैंड्स आर यूज्ड, आर यूज्ड। देन नर्स लिसन्स द, इसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज परक्यूशन में नहीं कर, हम क्या करते हैं अपने हैंड्स, दोनों हाथ यूज करते हैं पेशेंट पे रखते हैं, तो हम लिसन करते हैं साउंड, फील करते हैं इंटरनली साउंड, हम फील करते हैं। ये क्या, एक पाल्पेशन था ये फिजिकल असेसमेंट में, दूसरा क्या था परक्यूशन, परक्यूशन मीन्स इसमें हम पाल्पेशन में हम फील करते हैं अपने हाथों से, पेन करते हैं, देन मीन अगर हम कहीं पे पेशेंट पे हाथ रखें तो वो पेन फील करेगा। परक्यूशन मीन्स हम हाथ को, हाथों को, दोनों हाथों को यूज करके पेशेंट का साउंड फील करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में क्या हम कहते हैं, ऑस्कल्टेशन में हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज यूज्ड, ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप यूज करके करके हम पेशेंट का साउंड हम चेक करते हैं, पेशेंट का हार्ट बीट, पेशेंट का पल्स हम चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑस्कल्टेशन, ये भी हम हमें फिजिकल असेसमेंट में आता है। तो नेक्स्ट क्या है उसमें, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन, ये भी फिजिकल असेसमेंट में, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या हो, उसमें क्या हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स टू सी फ्रॉम हेड टू टू, टू सी फ्रॉम हेड टू टू, दैट मीन्स हमें सर से लेकर पांव तक पेशेंट को देखना है,
कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज हैं, कहीं पे कलर चेंज तो नहीं है, कहीं पे शेप तो चेंज नहीं है, बॉडी की शेप सही है, हम पेशेंट को कहीं पे प्रॉब्लम्स पेन हो, तो हम इस इंस्पेक्शन में क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन उसको कहते हैं, दैट मीन्स टू सी पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो, दैट मीन्स हेड टू टो एग्जामिनेशन, दैट मीन्स फिजिकल एग्जाम में हेड टू टो, हेड टू सर से लेकर पाँव तक हमें पेशेंट को चेक करना है। ये था असेसमेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में ये पहला स्टेप था असेसमेंट। तो उसमें क्या क्या देखा हमने, उसमें हमने देखा पहले सब्जेक्टिव डाटा, हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको कौन सी। दूसरा हमने क्या देखा उसमें, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें पेशेंट को क्वेश्चंस या किसी को भी नहीं पूछते हैं, पेशेंट के पास बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पेशेंट डल फील कर रहा है, पेशेंट को पेन है, वी आर फीलिंग नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो उसमें हमने देखा है बायोग्राफी, हम पेशेंट से बायोग्राफी भी लेते हैं, हम पेशेंट से पर्सनल हिस्ट्री भी पूछते हैं कि हाँ पर्सनल हिस्ट्री, हम यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं पेशेंट, दैट मीन्स हम पर्सनल क्वेश्चन, दैट मीन्स हैबिट्स, पेशेंट से उसके हैबिट्स क्या हैं, उसके फैमिली हिस्ट्री क्या है, हम पूछते हैं पेशेंट को। तो बायोग्राफी में हम पेशेंट को नेम, सेक्स, पूरा बायोडाटा लेते हैं। फिर उसमें हमने दूसरा देखा फिजिकल एसेसमेंट। फिजिकल एसेसमेंट हमने देखा पालपेशन, दैट मीन्स टू फील विद हैंड्स, हम अपने हाथों से पेशेंट को चेक करते हैं हर कोई बॉडी पार्ट पे, तो उस पर अगर पेशेंट पेन फील करते हैं तो हम देख सकते हैं, दैट मीन्स वी पालपेट। परक्यूशन मीन्स हम अपने हाथ यूज करके पेशेंट को परक्यूट करते हैं, दैट मीन्स वी आर लिसनिंग साउंड्स फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी। नेक्स्ट इज ऑस्कल्टेट, दैट मीन्स ऑस्कल्टेशन, दैट मीन्स वी आर यूजिंग स्टेथोस्कोप, वी आर टू सी एनी इंटरनल, वी आर यूजिंग स्टेथोस्कोप टू फील पल्स हार्ट बीट ऑल्सो। इन दैट फिजिकल असेसमेंट लास्ट वन इज इंस्पेक्शन, दैट मीन्स वी आर इंस्पेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो, हम सर से लेकर पाँव तक पेशेंट को असेसमेंट करते हैं। ये था फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट था असेसमेंट। असेसमेंट में हम जब बायोडाटा लिया पेशेंट का, ऑब्जर्व किया पेशेंट को, सब्जेक्टिव डाटा लिया पेशेंट कौन कौन से प्रॉब्लम पूरा ये लिया, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं जो हमने देखा डायग्नोसिस, दैट मीन नर्सिंग डायग्नोसिस। ये मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंस है। इन नर्सिंग डायग्नोसिस वी आर चेक फ्रॉम असेसमेंट, जो हमने असेसमेंट किया उसी के हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, वी कांट यूज़ एनी मेडिकल टर्म्स, हम कोई मेडिकल टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड स्टेप है जो हम कल देखेंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस में पहले हमने असेसमेंट देखा, नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड थर्ड वन इज आउटकम प्लानिंग, जो हम फर्स्ट हम ये स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज़ दिस, जो हमने ये मेथड आपको यूज़ करना है कहीं पे भी जहाँ जहाँ आप जाओगे, पेशेंट का ये नर्सिंग प्रोसेस सेम होता है, दैट मीन इन कॉलम्स, दैट आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इन कॉलम्स, आपको ये जो भी स्टेप्स हैं असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको अगर हम यहाँ पे असेसमेंट हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, थर्ड इज गोल, हम क्या है, नेक्स्ट इज प्लानिंग, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेशन, ये आपको बाद में कॉलम्स में जहाँ पे हॉस्पिटल में भी वही ये सेम होता है। देन असेसमेंट हमने आपने पढ़ा ये सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव में हम क्या बोल सकते हैं, हम पूछते हैं क्वेश्चन पेशेंट को कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपको कहाँ पे पेन है, फ्रॉम वाई, व्हाट प्रॉब्लम यू है, विच सिम्टम्स यू आर फीलिंग। तो हम ऑब्जर्व में क्या करते हैं, ऑब्जर्व में हम खुद लिखते हैं कि एज हमने पेशेंट को देखा, दैट मीन्स पेशेंट वाज फीलिंग पेन, पेशेंट एज ऑब्जर्वेशन पेशेंट इज हैविंग पेन, पेशेंट इज वेरी डल। तो नर्सिंग डायग्नोज में क्या है, इन इसके हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं, दैट मीन्स वो हम नेक्स्ट में हम देखेंगे हम कैसे डायग्नोज करते हैं, फिर हम कैसे गोल क्या हो हमारा होता है, प्लानिंग कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ एनी वन विल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दे कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, Instagram, Facebook, or on what YouTube also. So thank you.